शांति दारिवाल शांति तो सुनीता भाई जरा मैं और थोड़ी अपनी सर आप क्या नमस्कार सर नमस्कार अरे दूर टेंडर किया गया एक साल से सफेदी का करा गया जा रहा और कह रहे हम 200 करोड़ रुपए का टेंडर करेंगे। 15 साल बाद कांग्रेस का वोट लिया है, एक रुपए का काम नहीं और अब फिर किस लिए काम होगा? हम रोड पे बैठ जाएंगे, बैठो नीचे सब जगह जनता की। और राज्य सरकार 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल के अंदर हम लोगों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कह रहे हैं कि कोर्ट के विचारधारी मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मुकदमे के आधार पर रोज तारीखें आगे से आगे बढ़े जा रही है। हम और कागजी कार्रवाई तक सीमित है। ये यहाँ पे बेरोजगार कम से कम 200 परिवार हैं, 200-300 परिवार हैं, फुटपाथ पर चूड़ी बेचने वाले, ठेले चलाने वाले, उन लोगों को बेरोजगार छीना गया है। एक साल से चारों तरफ घेराबंदी करके इन पब्लिक के साथ में माल भी लूटा गया, उनके पैसे भी लूट ले गए, उनके माल तक जब्त किया गया वो आज तक नहीं दिया गया। मैं सरकार राज्य सरकार से और नगर निगम से ये निवेदन करता हूँ, उप महापौर से और महापौर से भी, हमारे गरीब तबके लोगों को बेरोजगार छीना गया, उनको बैठाने की अनुमति दी जाए। यातायात नहीं दी गई है। हम आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को काले झंडे दिखाएंगे और नहीं ज्यादा जरूरत पड़ी तो आत्मदाह की धमकी भी देंगे। आज शांति लाल ने बात नहीं की आपसे? हमारे से कोई शांति लाल जी मंत्री महोदय ने बात नहीं की है, वो चुपचाप वो कहते हैं कोरोना काल है। क्या कोरोना काल नगर निगम के चुनाव में छुट्टी में चला गया था? क्या हॉलीडे मना के वापस आ गया? अब वो कहते हैं कि 517 1000 वो आ रहे हैं, रात का लॉकडाउन लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। क्या पब्लिक का सामान लेने का, गरीब तबका लोग रात को सामान लेने के लिए आते हैं, उनको रोजगार लेने के सामान के लिए पुलिस वाले मारते हैं, नगर निगम वाले छमन चिंते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी तानाशाही आ गई राज्य सरकार की जो गरीब के रोजगार छीना जा रहा है? आपका नाम?